होंगी तो पूरे होंगे हमारे जितने भी ख्वाब होंगे। हमें है भरोसा, हमें यकीन है, हम एक दिन कामयाब होंगे। गले लगाएंगे मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमने हनीमून के लिए मेरे पुश्तैनी मकान को क्यों चुना, जबकि यहाँ आते हुए मैं खुद घबराता हूँ। तुमने तो गोवा का ही प्रोग्राम बनाया था, मैंने सोचा वहाँ जाकर फिर से किसी कमरे में या फ्लैट में बंद होना पड़ेगा। हनीमून का मतलब होता है खुली जगह जहाँ से चांद नजर आता हो, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू जहाँ फिजा में बसी हुई हो। जानते हो वसीम, जब चांदनी रात में मिट्टी की सौंधी सौंधी महक में लहलहाती फसलों की खुशबू रच बस जाती है, तब हमें अपनी सांसों में शहद के जायके का एहसास होता है, उसे हनीमून कहते हैं। तुम तो फैशन डिजाइनर से ज्यादा फिलोसोफर लग रही हो। आज मुझे हनीमून का मतलब समझ में आ गया, वरना मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या इससे पहले भी हनीमून मना चुके हो? क्या हुआ? ट्रैक्टर आ रहा है। ये बड़ी खतरनाक चीज होती है, ट्रैक्टर बाईं ओर चलता है तो ट्रॉली दाईं ओर। तुम ड्राइवर समझदार हो, बल्कि तजुर्बेकार शौहर हो। काशी गांव ऐसा है जहां बड़ी मुश्किल से कोई गाड़ी समाती है। मेरठ के करीब होते हुए भी मेरठ जैसी शहरियत नहीं है। लोग मिलनसार हैं लेकिन तकरीबन अनपढ़। काशी गांव की औरतों का महबूब मशगला दूसरों में कीड़े निकालना है। इससे जो वक्त बचता है उसमें चांदी के वर्क कूटती हैं। ऐसे गांव में जमींदार साहब की सबसे छोटी बहू फैशन डिजाइनर नसरीन आ रही हैं। लगता है जनाब की जमींदारी की सरह शुरू हो गई है। अरे काहे की जमींदारी, लोग बस रिवायत निभा रहे हैं। क्या मतलब? जमींदारी कब की खत्म हो गई, अब तो बस रॉब है रॉब। अंग्रेज में बनी हुई है। सुना है बिलाई से कुछ पढ़ कर आई है, तभी तो यक पहनावा है, तो कहीं से भी नहीं लग रही कि मुसलमान है। जमींदार साहब होते तो आगे बढ़कर बहू को गले लगा लेते, उन्हें तो ये सब पसंद था, तभी तो दोनों बेटियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेज दिया और खुद अंग्रेज की तरह बैठ कर चुरुट पीते रहते थे। अम्मी तुम्हारी यही बुरी आदत है, अभी वो घर में दाखिल हुई नहीं कि तुम शुरू हो गई। क्या बुराई है बाजी में, अच्छी खूबसूरत तो नजर आती है, और उनके कपड़े तुम्हारी चिपकी हुई सलवार कमीज से ज्यादा ढीले ढाले हैं। एक लगाऊंगी तुझे तमाचा, तुझे क्यों बुरा लग रहा है? अम्मी तुम तो शहर की पढ़ी लिखी लड़कियों को देखकर जल जाती हो। तू ऐसे नहीं मानेगी सलमा की बच्ची, मैं काफी तरफ हूँ। खुशामदीद। आज मुस्लिम माशरे पर सियासत चल रही है। मौजू जमींदार साहब की छोटी बहू नसरीन भी नहीं, बल्कि उनका पहनावा है
जिसे गांव वाले मायूब समझ रहे हैं। पहनावा वही है जो जिस्म को ढकता है और पूरे वजूद की हया को कायम रखता है, लेकिन अमूमन इंसान की फितरी आजादी को नजरअंदाज कर दिया जाता है। وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ। سورہ نحل کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کا اشارہ اسی آزادی کی طرف ہے۔ اس آیت میں کہا گیا ہے، بہت سی رنگ برنگی چیزیں تمہارے لیے اس نے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ نے صحیح راستہ اختیار اور انتخاب کرنے کی آزادی کے لیے انسان کو علم کے ذرائع دیے، جس کے صحیح استعمال سے وہ ترقی کی بلندیاں حاصل کر سکے۔ ملانی جی، آپ نے تو کہہ دیا کہ زمیندار صاحب کے خاندان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اب سے پہلے کسی لڑکی یا عورت کو اس حلیے میں دیکھا ہے؟ پینٹ کمیز میں تو تھی، نہ سر پہ دوپٹہ نہ آنچل، یہی حال رہا تو اسی حلیے میں پورے گاؤں میں گھومے گی تو ہماری بیٹے پہ کیا اثر پڑے گا؟ میری بیٹی تو ابھی سے اس پہ قربان ہو گئی ہے، اس کے لیے تو مجھ سے بھی لڑنے لگی ہے۔ آپ کچھ کیجیے ملانی جی، کم سے کم وہ مسلمان تو ہے، اسے اس کے دین ایمان کا واسطہ دلائیں، اپنی عاقبت تو کھو بیٹھی ہے، ہماری بچیاں بھی گمراہ ہو جائیں گی۔ ہائے اللہ، بات تو تشویش کی ہے۔ آئے انگریزی میں تعلیم کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ دین ایمان شرم و حیا روزہ نماز سب تار پر رکھ دے۔ اے میں جانتی ہوں کہ زمیندار صاحب کا گھرانہ پڑھا لکھا ہے مگر دیندار ہے، ان کی بیٹیاں پڑھی لکھی ہے مگر نماز کی پابند ہے، بہوئیں بھی سلیقے کی ہے۔ اب تم لوگ کہتی ہو تو عصر کی نماز کے بعد چلی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ بہن مجھے تو کام ہے، تم شکیلا کو لے کر ان کے ساتھ چلے جانا۔ میں شکیلا کو لے کر آ جاؤں گی، پھر ساتھ چلیں گے، ٹھیک ہے نا ملانی جی؟ ہاں ہاں چلیں گے، ابھی میں چلتی ہوں۔ ہاں ہاں آ جائیے، اندر آ جائیے۔ السلام علیکم۔ شادی مبارک ہو وسیم میاں۔ شکریہ۔ بیوی تو بہت چن کے لائے ہو۔ جی ہاں، جائیے اندر ہے، تشریف لے جائیں۔ ہاں ہاں آؤ، چلو سر۔ سب نظر نہیں آ رہی، اے اندر بیٹھی فیشن کر رہی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اللہ تعالی کی کس کس نعمت کو نظر انداز کرو گے؟ اے کیا ہوا؟ آئیے آئیے، بیٹھیے بیٹھیے۔ باجی، یہ ملانی جی ہیں، یہ خالہ اور یہ میری امی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم روز تلاوت کرتی ہو؟ کوشش کرتی ہوں، اثر کے بعد ایک سپارہ پڑھ لوں، کئی بار موقع نہیں بھی ملتا ہے۔ باجی، آپ کی بیٹی بہت ذہین ہے، جب سے آئی ہوں میرا ہاتھ بٹا رہی ہے، اور اسے پڑھنے کا اور سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ آپ لوگ باتیں کیجیے، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ ارے ارے، ایسے کیسے جائیں گی آپ؟ بیٹھیے، میں بھی آتی ہوں۔ آؤ سائمہ۔ اے، تمہیں تو عیب نکالنے کی عادت ہے اور دوسرے کو گنہگار بناتی ہو۔ میں تو آنا ہی نہیں چاہتی تھی، تم دونوں نے ضد کی سو آ گئی۔ اب بولو کیا کہتی ہو؟ جب آئی تھی تو اے، دلی سے یہاں تک کا سفر لمبا تھا، سو اس نے سہولیت کے لیے وہ کپڑے پہن لیے ہوں گے۔ اتنی سی بات کا تم لوگوں نے بتنگڑ بنا دیا اور پڑ گئی ہے اس کے پیچھے۔
ए, आप उससे बात तो कीजिए। अरे क्या बात करूँ, उसका इम्तहान लूँ? ये तो रोज तिलावत करती है, मैं तो जुमे के जुमे तिलावत करती हूँ। कुरान हदीस के बारे में आपसे ज्यादा थोड़ी जानती होगी। अय है, आज तुम्हें कुरान हदीस की बहुत याद आ रही है, कभी ताक से उठाकर कुरान पढ़ती भी हो? मुल्ला जी क्या कह रहे थे? अय वो क्या कहेंगे, तुम्हारे ही जहनियत के वो भी है, इसी माहौल में सांस ले रहे। अय कई बार समझाया है, नमाज पढ़ते हो गीबत और ऐबजोई से बचो, पर क्या करे, ये सब तो इस गांव के खमीर में है। ये लीजिए पालक के खुश पकौड़े, मैं खास तौर से आप लोगों के लिए बनाकर लाई हूँ। वसीम को भी बहुत पसंद है। अम्मी इसे खाकर बताओ ये कैसे हैं? तो पहले ही मुंह में ठूस चुकी होगी। अरे अरे ऐसा ना कहिए, ये कोई पराया घर थोड़ी है। सुना है तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। कोई खास नहीं, कोई फैशन वैशन का काम करती हो? ग्रेजुएशन के बाद फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और उसके लिए 6 महीने अमेरिका में रही। अच्छा, अमेरिका भी हो आई हो? जी। वहाँ भी नमाज पढ़ती थी? नमाज तो हर जगह फर्ज है, चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका। नौकरी भी करती होगी? पहले करती थी, शादी के बाद सोचा कि घर बार संभालो, मियाँ तो कमा ही रहे हैं, मैं तो बस घर में बैठकर आराम से खा रही हूँ। फिर इतना पढ़ने लिखने और परदेश जाने का क्या फायदा हुआ? क्यों, पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए होती है? पढ़ने लिखने से इंसान जिंदगी का सलीका सीखता है, इंसान को अच्छे बुरे की तमीज आती है, इल्म से समाज में मुआशरे में तब्दीली आती है, मेल मिलाप का जज्बा पैदा होता है। तभी तो अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने इल्म और तालीम पर जोर दिया है। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, अब यहाँ आई हो तो कुछ दिन रुको और इन औरतों को समझाओ। अब हमें चलना चाहिए। अरे तुम्हें तो आने की भी जल्दी थी और जाने की भी जल्दी पड़ी है। अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। अच्छा बेटी चलते हैं, खुश रहो। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। तो तुम्हारा इंटरव्यू लेकर गई सब? मैं जानता था इनकी रग रग से वाकिफ हूँ। ऐसा मत करो, गांव की औरतें हैं, उनका सोचने समझने का अपना तरीका है। अरे इन औरतों को ज्यादा लिफ्ट मत देना, तुम नहीं होती तो मैंने अंदर दाखिल भी नहीं होने देता। ठीक कहा था तुमने, जमींदारी चली गई लेकिन जमींदाराना रौब अभी बाकी है। मैं सच कह रहा हूँ, ये औरतें तुम्हें परेशान करेंगी। अम्मी ने भी चलते वक्त तुम्हें समझाया था ना? नहीं नहीं, परेशान नहीं किया बल्कि खुश होकर गई है। वो तो तुम्हारी क्वालिटी है। ये एक से माहौल में जिंदगी गुजारती आ रही है, अगर इन्हें प्यार से समझाया जाए तो इनकी सोच बदल सकती है। एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं। तुम लोग यहाँ के जमींदार थे, धन दौलत की कमी नहीं थी, तुम लोगों ने आला तालीम हासिल की लेकिन अपनी रियाया के मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। कोई स्कूल खुलवा देते, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल कर कोई पार्क या मैदान बनवा देते। जमींदार साहब काबिल हो गए लेकिन रियाया जाहिल रह गई। यही तो खराबी है जमींदाराना सिस्टम की और ये रिवायत चली आ रही है। मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं, कम्युनिज्म और सोशलिज्म बस इतना ही जानता हूं जितना अखबारों में पढ़ा है। लेकिन तुम्हारे अंदर जो क्वालिटी है उसने मुझे 6 साल तक कुंवारा बिठाया। तुम्हारी जमींदारी में मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी लेकिन तुम अच्छी बातों की कदर करते हो और तुम्हारी यही क्वालिटी मुझे भाती थी। वरना मैं जानती हूँ तुम जिद्दी भी हो और अकड़ू भी। ये हमारी जमींदाराना शान के खिलाफ है। तुम लोगों ने इस हवेली को खंडर बना दिया है। अरे कभी मरम्मत भी करा देते। अब देखो उस कमरे की खिड़कियों से आसमान दिखता है, देखो। बस चांद देखती रहो और हनीमून मनाती रहो।
मजाक की बात नहीं है। अगर यहाँ रहना नहीं है तो यहाँ बच्चों का एक स्कूल ही खुलवा दो। गरीब बच्चे पढ़ लिख कर दुआएं देंगे और जो बेरोजगार टीचरें हैं उनका भी भला होगा। थोड़ा सा गल्ला बेच दोगे ना तो स्कूल का सारा खर्च निकल आएगा। तजवीज तो अच्छी है, इस तरह मकान की हिफाजत भी हो जाएगी। अरे वसीम मियां, जमींदार साहब को कोई सलाम करने आया है। बैठी रहो, अंदर आ जाइए। सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जी। तशरीफ रखिए, इनसे मिलिए। ये यहाँ की बड़ी मस्जिद के इमाम साहब हैं, इन्हें मुल्ला जी कहते हैं। सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। ये मेरी अहलिया है। और सुनाओ वसीम मियां, कैसे हो? ठीक ठाक ना भाई? इस बार तो फसल बहुत अच्छी रही। हमारी मानो मियां तो गन्ना भी कटवा डालो। सुना है माशाल्लाह इस बार तो एक नया ट्रैक्टर और खरीद रहे हो। जी, पेमेंट कर दी है, अब जितने दिनों में आ जाए। बेगम को गांव घुमाने लाए हो? आपका जी तो नहीं लग रहा होगा यहाँ। आप शहर की रहने वाली और ये गांव का माहौल। ऐसी बात नहीं है मुल्ला जी, मुझे तो गांव भी अच्छा लगा, माहौल भी और यहाँ के लोग भी। लेकिन यहाँ गांव में कोई टिकने को तैयार नहीं। पढ़ाई लिखाई और कमाई का ऐसा शौक बढ़ गया है कि हर आदमी शहर की तरफ रुख करता है। गांव में सारे साधन सारे वसाइल हों तो शहर जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सब कुछ है, बस तालीम का इंतजाम नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। ये आप क्या कह रही हैं? बड़ी मस्जिद में बच्चे पढ़ने आते हैं और पल्ली तरफ की मस्जिद में भी मदरसा चल रहा है, वहाँ भी बच्चे पढ़ने आते हैं, बल्कि लड़कियाँ भी पढ़ने आती हैं। वसीम तुम तो जानते हो, बताओ। मैं गांव के इन मामलों में नहीं पढ़ता, मुझे नहीं मालूम कहाँ पर मदरसा चल रहा है और कहाँ पाठशाला। ये तो अच्छी बात है कि मस्जिदों में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आज के ज़माने में इतनी तालीम काफ़ी नहीं है। लड़कियों को कम से कम इतना पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए कि उनमें खुद एतमादी पैदा हो और खुदा ना खास्ता अगर बुरा वक्त पड़े तो वो हालात का मुकाबला कर सके। तालीम से मुराद आपकी क्या है, अंग्रेजी तालीम? जी, आज की तालीम यानी हिंदी अंग्रेजी लिटरेचर की तालीम। साइमा मेरे पास आती है, आप उसे जानते होंगे, वो आपकी मस्जिद में कुरान पढ़ने भी जाती है। बड़े अफसोस की बात है कि बेचारी को इतनी उर्दू भी नहीं आती कि वो आयतों के मानी और तफसीर पढ़ सके। अब इस तरह अरबी की दो चार आयतें रट लेने से क्या हासिल, जब मालूम ही ना हो कि इन आयतों में क्या बात कही जा रही है। ये आप क्या कह रही हैं? इस तरह तो आप सारे हाफिजों की तौहीन कर रही हैं। आपके नजदीक तो कुरान पढ़ने वालों की कोई अहमियत ही नहीं है। मैं तो कुरान पढ़ने वालों का, कुरान हिफ्ज करने वालों का बहुत एहतराम करती हूँ मुल्ला जी। आप तो बुरा मान गए, अगर कुरान की आयतें काफ़ी होती तो अल्लाह ताला इल्म की जस्तजू और तहकीक पर जोर ना देता। मोहतरमा, आप तो मुझसे बहस करने लगी। मैं यहाँ बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ, मुझे मालूम है अल्लाह ताला ने कहाँ किस बात पर जोर दिया है। बेशक आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आज सुबह जब मैं सूरह नहल की तिलावत कर रही थी और मैं उसकी 14वीं आयत पर पहुंची, वहुवल्लज़ी सखरल बहरा लिताकुलू मिन्हु, तो मैं दंग रह गई। उसमें अल्लाह ताला ने न सिर्फ इल्म के हुसूल की तरफ इशारा किया है, बल्कि इल्म के दायरे में साइंस, ज्योग्राफी, टेक्नोलॉजी और आज की तरक्की के तमाम उलूम को शामिल कर लिया है। मुझे पूरी सूरह नहल ज़ुबानी याद है। मुल्ला जी हाफिज़े कुरान है, ना जाने कितने लोगों को हिफ्ज कराया। जी मुझे मालूम है, साइमा इनकी बहुत तारीफ करती है। तो बताइए मुल्ला जी, इन आयतों से हमें दुनियावी तालीम हासिल करने का सबक नहीं मिलता? 14वीं आयत में अल्लाह ताला ने समुद्र का जिक्र किया है, तो वो मछली, पानी, किश्ती, जहाज, मोती और दूसरी चीजों का जिक्र करता है और हमें हिदायत फरमाता है कि हम इसमें अपने रब का फजल तलाश करें।
मुल्ला जी, मैं समझती हूँ यहाँ फजल तलाश करने से मुराद है कि हम समुद्र से फायदा हासिल करने की सोचें। समुद्र के लिए जहाज़ों की ईजाद हुई और जहाज़ों से आमदोरफ्त और तिजारत का तरीक़ा निकाला गया। समुद्र से तेल निकाला जाता है, मोती निकाला जाता है, इतनी सारी चीज़ों का कारोबार होता है। क्या इल्म और तालीम, अक्ल और सलाहियत के बगैर इनके इस्तेमाल का तरीक़ा आ सकता है? मुझे मालूम है, कुरान तमाम उलूम की चाबी है। मुल्ला जी, मुझे लगता है इतना कह देना और मान लेना काफी नहीं है। सूरह नहल की 15वीं आयत में बयान किया गया है कि जमीन पर पहाड़ों को क्यों गाड़ा गया। अब जियोलॉजी पढ़े बगैर तो हम जमीन की बनावट को समझ ही नहीं सकते, और ऐसे ही एस्ट्रोनॉमी पढ़े बगैर हम जान ही नहीं सकते कि अल्लाह के बनाए जो सितारे हैं उनकी खूबियां क्या हैं। और हम इस बारीकी को भी नहीं समझ सकते कि अल्लाह ताला ने क्यों कहा है कि हम सितारों से हिदायत लें। कुरान ने इल्म और तालीम को किसी एक चीज़ तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि तमाम इंसानों को उसे सीखने की आज़ादी दी है और तरक्की करने का इख्तियार दिया है। जब आप इतनी ही काबिल हैं तो शहर छोड़कर यहीं गाँव में रुक जाइए, यहीं बच्चों को तालीम दीजिए। यही मैं सोच रही हूँ, और आपके आने से पहले वसीम से इसी मौजू पर गुफ्तगु भी कर रही थी। बातें तो बहुत हो चुकी, मुल्ला जी के लिए चाय तो बना कर लाओ। हाँ, अभी लाई। चलिए बाजी, आज मैं आपको अपना गांव दिखाती हूँ। दिखाओ दिखाओ। आपको पता है ये गांव बहुत अच्छा है, सब लोग अच्छे हैं। ए, साइमा, ये क्या कर रही है? अपना नसीब फोड़ रही है। नसीब फोड़ रही है? चांदी के वर्क कूट रही है। हर घर में हर वक्त यही काम होता रहता है, मेरे घर में भी। ये देखिए मेरे हाथ की हालत दस्ता पकड़ने से हुई है। चलिए बाजी, अब आगे चलते हैं। साइमा, तुम भी ये काम करती हो? हाँ, सभी लड़कियाँ करती हैं और उनकी माएँ भी करती हैं। अच्छा अच्छा, वर्क कूट कर क्या होता है? कुछ एजेंट आते हैं और ये चांदी के वर्क ले जाते हैं, मिठाइयाँ, हकीमी गोलियाँ और पता नहीं कहाँ कहाँ ये चांदी के वर्क लपेटे जाते हैं। अच्छा अच्छा, साइमा तुम्हें ये काम पसंद नहीं? ये भी कोई काम है? थोड़े से पैसों के लिए हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता। मुझे तो लगता है मैं भी इस तरह चांदी कूटते कूटते अम्मी की तरह सनक जाऊंगी। ऐसा नहीं कहती, मेहनत करने में क्या बुराई है? तो क्या पढ़ने लिखने में बुराई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि पढ़ना लिखना तो बहुत जरूरी है। अच्छा ये बताओ, यहाँ के मर्द क्या करते हैं? यहाँ के मर्द खेत से आते हैं, गप्पे लड़ाते हैं और चाय और लस्सी की दुकान पर बैठकर अपना वक्त गुजारते हैं, फिर हफ्ते में 2-4 दिन तहसील और कचहरी के चक्कर लगाते हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। ये शख्स कौन थे? ये मुकदमेबाज साहब थे। मुकदमा लड़ लड़ कर आज गाँव में सबसे ज्यादा जमीन के मालिक बन गए हैं। वसीम भाई के दोस्त हैं। तुम्हारे वसीम भाई भी मुकदमेबाज हैं? हाँ, पर वैसे किसी की जमीन नहीं हड़पते। तुम्हें तो बहुत मालूमात है। अरे बचपन से सुनती आई हूँ ना। चलो अब जल्दी चलो, चलो ना बाजी। हाँ हाँ बाबा, चलो चलो। अच्छा साइमा, यहाँ हर घर में यही काम हो रहा है? हाँ, ये काशी गाँव है, काशी। मैं इसे चांदी का गाँव कहती हूँ। अच्छा चलो, किसी घर में चल के देखते हैं। हाँ, इस घर में चलते हैं। यहाँ बत्तो खाला चांदी के वर्क कूटती है, और बाजी आपको पता है दस्ते के साथ साथ इनकी जुबान भी चलती है। ये तो अम्मी से भी ज्यादा सटियाई हुई हैं। ऐसा नहीं बोलते, बुरी बात होती है, माँ की इज्जत करते हैं। चलो अच्छा चलो चलो। बत्तो खाला, सलाम बत्तो खाला। वालेकुम सलाम। वसीम भाई की बीवी आई है, नसरीन बाजी। जमींदार साहब की बहू? आओ बेटी, आओ बैठ, आओ। तुम कैसे आ गई? जमींदार साहब के यहाँ से तो कोई निकलते ही नहीं है, मैं खुद आने वाली थी। वैसे साहिमा की माँ तुम्हारे बारे में सब कुछ बता चुकी है, बल्कि जिस दिन तुम इस गांव में अपने मियाँ के कपड़े पहन कर आई थी तब से हर तरफ तुम्हारी ही चर्चा है। माशाल्लाह, देखने में तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। क्या कहा था, अम्मी से भी 4 हाथ आगे है।
तू क्या बोल रही है? नहीं खाला, कुछ नहीं। तुम भी तो कुछ बोलो। खाला आप तो मेरे बारे में सब कुछ जान ली। मैं तो बस ये देखने आई थी कि वरख कैसे कूटे जाते हैं। ये लो, इसमें देखना क्या है, चांदी को कूट कूट कर बारीक करते हैं, फिर इसे फैला देते हैं। काम तो बहुत अच्छा है खाला, मेहनत भी पूरी है। मैं समझती हूँ अच्छी खासी उजरत मिल जाती होगी। हाँ उजरत मिलती है, सब मिलकर काम करते हैं तब जाकर घर के तेल मसाला सब्जी का खर्च निकल पाता है। खाला आप चाहें तो इससे ज्यादा पैसे कमा सकती हैं। वो कैसे बेटी? खाला आप मोटे वरख तैयार कर सकती हैं। क्यों नहीं, इसमें मेहनत भी कम है। हाँ बस तो खाला काम बन गया, मैं बाद में बताऊंगी। इसमें कमाई ज्यादा होगी? मुझे ऐसा लगता है। खैर खाला आप अपना काम कीजिए, मैं फिर आऊँ। नहीं बेटी तू तकलीफ मत करना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। बिना वजह यहाँ की औरतें तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करती फिरती रहती हैं। ये कोई नई बात नहीं है बहू, जब मैं ब्याह कर इस गांव में आई थी तो एक दिन घर से बिना बुरखे के बाहर निकल गई, समझ लो उस दिन छोटी कयामत टूट पड़ी। यहाँ सुगरा बीवी हुआ करती थी, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो तो लट लेकर मेरे पीछे पड़ गई। अरे मैं शहर की रहने वाली, गांव की रीत रिवाज क्या जानूं? मैं तो सुगरा बीबी से लड़ पड़ी, फिर मेरे मियाँ ने मुझे इतना मारा, मैं क्या बताऊं बेटी। वो दिन आज याद करती हूँ तो मेरी हड्डियाँ चरचराती हैं। अच्छा खाला अब हम चलते हैं, बाजी को भी तो देर हो रही है ना। तुम्हारे पास आऊंगी बेटी, वो बात मुझे ही बताना और किसी को नहीं। हाँ साहिमा की माँ को भी बता देना, वो बहुत भली है औरत। अच्छा खाला आप आइएगा। बाजी चलिए भी, नहीं तो मशीन फिर चल पड़ेगी। क्या कह रही है? कुछ नहीं खाला, चलिए ना बाजी। अच्छा खुदा हाफिज। दर्द कर दिया। बातें तू मजेदार करती है। बाजी आपने मैं खूब पासा फेंका कि पल भर में आप सबसे अच्छी हो गई। पासा नहीं साइमा, मेरे दिमाग में एक प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग? मैं सोच रही हूँ कि वरख का और क्या इस्तेमाल हो सकता है। बाजी आप इन काशी वालियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए, आज गले से लगा रही है कल गले की रगे फुलाने लगेंगी, आप इन्हें बिल्कुल नहीं जानती। साइमा जब तुम इतने मुहावरों के साथ बोल सकती हो तो तुम पढ़ने लिखने की कोशिश क्यों नहीं करती? बाजी आप मुझे पढ़ाओगी? अगर तुम पढ़ना चाहोगी तो पढ़ाऊंगी और काम भी सिखाऊंगी। सच बाजी? हाँ बाजी, काश आप इस गांव में बहुत पहले ही आ गई होती। अरे पगली सुना नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। चलो जहालतों का रिवाज बदले, हम अपने घर का मिजाज बदले, जो पल